हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि आपका मैंने यूपी टेट का बाल विकास यानी कि सीडीपी का जो 30 नंबर का पेपर 1 एंड पेपर 2 में पूछा जाता है, वो मैंने आपका सेशन स्टार्ट कर दिया था, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करा दिया था। दूसरा चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था जिसमें मैंने आपके शुरू के 3 टॉपिक पढ़वा दिए थे। अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल में मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी टेट 2009 फुल कोर्स के नाम से। उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की आपको पूरा क्या मिल जाएगा, वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज उसके आगे वाले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, कौन सा, भाषा विकास। इससे पहले मैंने आपको इसी में से एक टॉपिक करवाया था, सामाजिक विकास की अवस्थाएं। तो 3 टॉपिक हमने कर दिए थे, 1 टॉपिक उसका और 2 इसके। कौन कौन से? भाषा विकास के चरण और भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 टॉपिक आपको मैंने करवा दिए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की जो कि है भाषा विकास की अवस्थाएं, यानी कि जब बच्चा भाषा सीखता है तो अलग 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 स्टेजेस में अलग अलग उम्र में वो अलग अलग प्रकार से बोलना की कोशिश करता है, जहां से आपके पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, भाषा विकास की अवस्थाएं। ओके, तो इंपॉर्टेंटली मैं आपको 5 से 6 अवस्थाएं बताऊंगा, क्वेश्चन आपके शुरू के 4 या 5 अवस्थाओं से पूछे जाते हैं। कौन कौन से, चलिए पहला अवस्था होती है आपकी रोना, मतलब क्राइंग, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय बच्चा ना ही किसी प्रकार के इशारे कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का कोई शब्द बोल सकता है। तो अपनी सारी की सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो रोकर बताता है, जैसे कि शाब्दिक अर्थ में रोना भाषा विकास की पहली अवस्था है। रोकर बच्चा अपनी भावनाओं मतलब दुख प्रकट करता है। बालक अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग प्रकार से रोता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा, बच्चे जो होते हैं किसी चीज को चाहिए होगा तो किसी और प्रकार से रोएंगे, भूख लगी होगी तो किसी और प्रकार से रोएंगे, या कि उनके पेट में दर्द हो रहा होगा तो किसी और प्रकार से इस तरीके से वो रोएंगे। तो वो रोना जो होता है उनकी भावनाओं को प्रकट करता है, उनके दुखों को उनके सुखों को प्रकट करने की एक पहली अवस्था होती है। तो जन्म के समय बच्चा कैसे करता है, सारी की सारी प्रक्रियाओं को रोकर व्यक्त करता है। यहां से क्वेश्चन अब तक नहीं पूछा गया है लेकिन शुरू की स्टेजेस है तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है गुटकना, मतलब इंग्लिश में कुइंग कहते हैं जिसे। इसमें क्या होता है, तो 3 महीने का बच्चा जो होता है वो गुटकना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में बच्चा क्या होगा, वो आपका स्वर, ध्यान रखिएगा, स्वर वर्ण का उच्चारण शुरू कर देता है, चाहे वो जैसे का फॉर एग्जाम्पल आ आ हो गया, ई ई होगी, इस प्रकार के जो स्वर वर्ण होते हैं उस चीज का उपयोग करना, उस चीज की प्रक्रिया का उपयोग करना वो शुरू कर देता है। उसी अवस्था को क्या कहा जाता है, गुटकना, यानी कि कुइंग कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए तो 3 महीने की अवस्था में शुरू करता है और जो कि पूछा जा चुका है। ओके, थर्ड अवस्था है बबलाना, मतलब बबलिंग जिसे इंग्लिश में कहते हो। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी अवस्था में होता है ये, तो वहां आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा 5 से 7 महीने के बीच में, या फिर फिक्स डेट मिले तो 6 महीने की अवस्था में बच्चा ये शुरू कर देता है। ये होता क्या है, तो 6 महीने का बच्चा बबलाना शुरू करता है। बालक स्वर के साथ साथ अब क्या करने लग जाएगा, व्यंजन मिलाकर शुरू कर देता है बोलना, यानी कि शब्दों को उच्चारण करना। फॉर एग्जाम्पल, पहले आपका गुटकना में क्या कर रहा था, वो आ आ ई ई वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब वो स्वर के साथ किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, व्यंजनों का भी, जैसे कि का हो गया, चा हो गया, टे हो गया, क्यू हो गया, इस प्रकार के शब्दों का भी वो क्या करने लग जाता है, इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चा स्वर के साथ व्यंजन वर्णों को भी मिलाकर शुरू कर देता है इस्तेमाल करना, तो कौन सी अवस्था में होता है, तो बबलिंग यानी कि बलबलाना में होता है, या फिर 6 महीने की अवस्था में होता है। नेक्स्ट है शब्दानुकरण, यानी कि इकोलालिया जिसे कहते हो। यहां से क्वेश्चन आपके हमेशा पूछे जाते हैं कि इकोलालिया किस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, या फिर एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, पहले एक बार शाब्दिक अर्थ पढ़ लीजिए कि 9 महीने का बच्चा एक ही वाक्य को, या फिर ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, एक ही व्याख्या या वर्ण को लगातार दोहराता है, इस प्रक्रिया को शब्दानुकरण कहते हैं। अब शब्दानुकरण को इंग्लिश में कहते हैं इकोलालिया। जब बच्चा किसी एक ही शब्द को बार बार दोहराता है, जैसे कि देखा होगा आपने, बिना किसी मतलब के, बिना किसी तरीके से बस एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता रहेगा, जैसे का 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 का, ई ई ई ई ई, ऐसे प्रकार की कोई भी शब्द उठा लेगा और उस शब्द को बिना मतलब के बार बार प्रयोग करता रहेगा, बार बार इस्तेमाल करता रहेगा, उसी को क्या कहा जाता है,
जाता है, इकोलालिया यानी कि शब्दानुकरण कहा जाता है। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि बच्चा जो इकोलालिया की प्रवृत्ति देखने को मिलती हो किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो 9 महीने की अवस्था में मिलती है, या फिर एक बच्चा एक ही शब्द का बार बार बिना किसी मतलब के शब्दों का बार बार पुनरुक्त करता है तो वो किस अवस्था में है, तो वो इकोलालिया की अवस्था में है। ओके, दोनों क्वेश्चन कैसे भी पुटअप हो तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इस चीज होती है एक संपूर्ण शब्द यानी कि वन वर्ड फ्रेसेस, या फिर इसको बोलना भी बोल सकते हो, या कई बार आपको स्पीकिंग भी लिख दिया जाता है कि बच्चा एक शब्द का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। कब? तो 12 से 18 महीने का जो बच्चा होता है वो क्या करना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, एक शब्द वाला वाक्य बोलता है, और ये शब्द कौन सा होता है, तो संज्ञा होती है, संज्ञा से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल माँ, या फिर दादा, या फिर पानी, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बच्चे ने कुछ भी बोला तो उसको पता चल जाएगा घर वालों को कि क्या बोल रहा है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे ने बोला पानी, तो आपके घर वाले खुद ही समझ जाएंगे बच्चे के कि बच्चे को क्या चाहिए, पानी चाहिए। या फिर दादा बोलेगा तो घर वालों को क्या लगता है कि दादा के पास जाना चाहता है। तो बच्चे का एक शब्द से ही काम चल जाता है और बार पूरा का पूरा परिवार भी समझ जाता है एक शब्द के अनुसार, इसलिए बच्चा और शब्द बोलने के लिए कोशिश भी नहीं करता है। ओके, तो इस अवस्था में बच्चा क्या करने लग जाता है, एक संपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज हो जाती है जो कि है बच्चे की तार वाली भाषा, जिसको टेलीग्राफी स्पीच भी कहा जाता है। यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा अभी बताता हूं। जैसे शिक्षाब्दी का पढ़ लीजिए कि 18 से 24 महीने का बच्चा दूसरा शब्द बोलना शुरू करता है। अब तक बच्चा क्या कर रहा था, वन वर्ड फ्रेसेस इस्तेमाल कर रहा था, मतलब एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन अब बच्चा क्या कर रहा है, दो शब्द इस्तेमाल उसने करना शुरू कर दिया, और दूसरा शब्द जो होता है वो कौन सा होता है, क्रिया होता है, एडजेक्टिव होता है। ओके, इस प्रकार बोलने को तार वाली भाषा कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले क्या बोल रहा था, पानी दूध, अब क्या बोलेगा बच्चा कि दूध दो, पानी दो, कम दूध, तो इस प्रकार से चीज जल्दी इस प्रकार से बोलने लग जाएगा। ओके, तो दो शब्द मिलाकर आप बोलना शुरू कर देता है, जो कि एक शब्द क्या होता है, क्रिया होती है। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कि दो शब्द का इस्तेमाल करना जब शुरू कर देता है तो उसको क्या कहा जाता है, टेलीग्राफी स्पीच यानी कि तार वाली भाषा कहा जाता है। और बच्चा यानी कि जो कि देख सकते हो 18 से 24 महीने कौन सी अवस्था होती है बच्चे का, ये दूसरे जन्म दिवस यानी कि जब तक बच्चा क्या हो जाता है, 2 साल का हो जाता है, तब वो शब्दों को बोलना, दो शब्दों को, दूसरा शब्द बोलना वो शुरू कर देता है। तो 18 से 24 महीने हो या 2 वर्ष हो, कुछ भी लिखा हो तो वहां टिक कर लीजिएगा। ओके, उसमें परेशान होने की बात कोई भी नहीं है। और इसी के तुरंत बाद जो बच्चा होता है तीसरा शब्द भी बोलना शुरू कर देता है, और वो तीसरा शब्द कौन सा हो सकता है आपका, तो वो होता है विशेषण, यानी कि जो बच्चे उसकी विशेषताएं बताता है। जैसे कि पहले क्या बोल रहा था, दूध दो, अब क्या बोलेगा, कम दूध दो, जल्दी दूध दो, तो वहां पर क्या हो रहा है, बच्चा उसके साथ साथ विशेषण का भी इस्तेमाल कर रहा है। तो जब बच्चा विशेषण का इस्तेमाल करने लग जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, तीसरे शब्द का बोलना स्टार्ट कर देता है। यानी कि 2 साल का जब हो जाएगा, जब टेलीग्राफी स्पीच स्टार्ट कर देगा, तो उसके कुछ समय के बाद ही तीसरे शब्द का भी इस्तेमाल करना वो शुरू कर देता है। ओके, और अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा व्याकरण का प्रयोग कब करना शुरू कर देता है, जो कि क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो बच्चा जब 30 माह का हो जाता है, यानी कि 2.5 साल का जब बच्चा हो जाता है, जब बच्चा क्या करने लग जाता है, व्याकरण शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। जैसे कि मम्मी आ गई, पापा चले गए, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रकार का जो बच्चा ग्रामर इस्तेमाल करना शुरू करता है वो कब शुरू कर देता है, जब बच्चा 30 महीने यानी कि 2.5 वर्ष का हो जाता है। तो और 4 से 5 साल के बच्चे जो होते हैं, इस अवस्था में क्या हो जाता है बच्चे का, वो उच्चारण कंप्लीट हो जाता है, उच्चारण विकास उनका पूर्ण रूप से हो जाता है। तो देखा होगा आपने 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो पूर्ण रूप से सारी चीज को समझ सकते हैं और अपनी बातों को वो सही तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका अगर पूछा जाए कि किस अवस्था तक हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा 4 से 5 साल के बच्चे की जो अवस्था होती है उसमें बच्चे का जो उच्चारण विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है। उच्चारण के लिए सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होते हैं उनके माता पिता और परिवार के लोग जिम्मेदार होते हैं। अगर उनके माता पिता या परिवार के लोग पूर्ण रूप से उसकी
भाषा को सीखने में, भाषा को समझने में मदद करते हैं, सहायता करते हैं, तो बच्चा जल्दी उच्चारण सीखता है और स्पष्ट रूप से सीख लेता है। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाषा विकास में या फिर उनके उच्चारण में मुख्य जिम्मेदार किस कौन होता है, तो माता पिता और उसके परिवार के सदस्य होते हैं। ओके, अर्थात माता पिता और परिवार वाले जो जितना शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण करने के खुद अपने प्रयोग में लाएंगे, उतना ही बच्चा उस चीज को ग्रैप करेगा और सीखेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 4 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं वो लंबे वाक्य बोलने लगते हैं, और 9 से 10 वर्ष की अवस्था तक बालक जो होता है वो भाषा का विकास पूर्ण रूप से उसका हो जाता है। पहले आप बात हो रही थी, देखिए 4 से 5 साल तक बच्चे का उच्चारण पूर्ण रूप से हो जाता है, लेकिन 9 से 10 वर्ष तक के बच्चे का जो होता है वो भाषा विकास पूर्ण हो जाता है। और भाषा विकास में कौन कौन से होता है, तो लिखना होता है, पढ़ना होता है, बोलना होता है, समझना होता है। तो ये सारी की सारी जो क्रिया होती है वो 9 से 10 वर्ष तक के बच्चे की अवस्था जब आती है, वो बच्चे का पूर्ण रूप से भाषा विकास हो जाता है। इस अवस्था तक बच्चा आते आते वो सभी प्रकार के व्याख्या को बोल सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा, उच्चारण कंप्लीट हो जाता है 4 से 5 वर्ष की उम्र में, और पूर्ण रूप से भाषा का विकास हो जाता है 9 से 10 वर्ष की अवस्था में, जो कि बच्चा वहां पर बोल भी सकता है, उस प्रकार के व्याख्या लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है। ओके, तो ये था हमारा आज का थर्ड टॉपिक, भाषा विकास की अवस्थाएं। क्वेश्चन कहां कहां से पूछे जा सकते हैं मैंने आपको बताया, और वहीं से क्वेश्चन बार बार आपके रिपीटेड होते रहते हैं, जैसे कि टेलीग्राफी स्पीच हो गया, शब्दानुकरण यानी कि इकोलालिया हो गया, या संज्ञा का इस्तेमाल करना कब शुरू कर देता है, विशेषण का इस्तेमाल करना कब शुरू कर देता है, या फिर बच्चा एक ही शब्द को बार बार रिपीट करके, मतलब उल्टा पुल्टा करके किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो ये थी आज का हमारा नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि थर्ड था। बाकी 2 टॉपिक बचे हैं, दोनों टॉपिक को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, और फिर उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं वो लेके आऊंगा मैं आपके लिए। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमने बोलो एप्लीकेशन पर अपना एक प्रोफाइल क्रिएट कर रखा, वहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, जिसका फॉलो करने का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के प्ले आपको कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट देखने को मिल जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके मेरे बोलो एप्लीकेशन के प्रोफाइल पर आ सकते हो, और जब भी आपको किसी भी प्रकार से करियर से रिलेटेड, किसी कोर्स से रिलेटेड या किसी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, तो वीडियो कॉल में, ध्यान रखिएगा, चैट करके नहीं, वीडियो कॉल में आप मुझसे बात कर सकते हो और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। ओके, प्रोफाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स का पहला आपको देखने को मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्टली वहां पर आ जाओगे। ओके, तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो के रिलेटेड कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके रिप्लाई, आपका पूरा का पूरे सभी का मैसेज जरूर पढ़ता हूं। ओके, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।